बैम्बू डॉग हाउस। नागपुर के गांव में अनिल कहकर एक आदमी रहता था। उसे कुत्तों से बिल्कुल जमता ही नहीं था और कुत्ते भी उसे देखते ही उसके पीछे पड़कर भगाते थे। एक दिन अनिल कुत्तों को पकड़ने वालों को फोन करके कुत्तों का वैन को बुलाया। वे लोग कुत्तों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी उधर बैम्बू से चीजें तैयार करने वाला पप्पू आया। तब उनसे पप्पू, ए कौन है आप लोग? कुत्तों का वैन इधर क्यों आया है? देखिए, ऐसे कुत्तों को उठाकर लेना सरकार ने बैन किया था, पता नहीं है क्या? कहा। तब अनिल, ऐसा है क्या? लेकिन ये बेकार के कुत्ते तो मुझे देखकर भौंक रहे हैं। पहले उनको भौंकना रोकने के लिए कहो, तब मैं उनको छोड़ देता हूँ। कहा। तब पप्पू, ए अनिल, ठीक से बात कर रहा हूँ कहकर उल्टा टेढ़ा बात मत करो। अगर कुछ टेढ़ा काम किया तो ठीक नहीं रहेगा। कुत्तों के साथ साथ तुम्हें भी वैन में चढ़ा देता हूँ। कहने से पप्पू और अनिल दोनों झगड़ा करने लगे। ये देखकर उधर गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन दोनों को अलग किए। तब उस गांव का प्रेसिडेंट पप्पू से, देखो पप्पू, अनिल जो कह रहा है वो भी सच है। ये कुत्ते तो गलियों में घूमकर सारे गांव को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें एक हफ्ता का समय देता हूँ, तुम उनके लिए कुछ रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कहकर चला गया। तब पप्पू दो दिन के लिए सोचकर उनके घर के बगल में रहने वाला उनका जगह में ही कुत्तों के लिए एक सुंदर सा बैम्बू डॉग हाउस को बनाया। बाद में कुत्तों को लाकर उसमें छोड़ा। तब सारे कुत्ते बहुत खुश होकर उसमें खेलते हुए घूमने लगे। अब उधर आया पप्पू से उनका दोस्त सिप्पी। मामू, अच्छा है रे तुम्हारा बैम्बू डॉग हाउस। इसे देखने से अगर मैं भी कुत्ता होता तो कितना अच्छा होता लग रहा है, पता है? इतना अच्छा है, उस स्विमिंग पूल में मुझे तैरने का मन हो रहा है, पता है? कहा। तब पप्पू, अरे मामू बस करो तुम्हारा कॉमेडी। और पहले अनिल से तुम्हारा झगड़ा क्या है बताओ? वो क्यों कुत्तों को देखकर इतना घबराता है और उसका समस्या क्या है? पूछा। तब सिप्पी, वो मुझे पूछे तो कैसे पता चलेगा? ये कुत्ते हमें देखकर पूंछ हिलाते हुए घूमते हैं, लेकिन अनिल को देखते ही उसके ऊपर भौंकते हैं। ये बात तुम उन कुत्तों से ही पूछो। अगर हो सकता है तो वो कोई चोर होगा या फिर उन कुत्तों को कभी मार रहा होगा। कहा। तब पप्पू, अरे तुम ये कहने के बाद मुझे तो सच लग रहा है। एक दिन जब वो मेरे साथ था तो उस दिन मेरा मोबाइल गुम गया है। ठीक है, पहचान वाला है कहकर उससे मैंने नहीं पूछा। आजकल ये कुत्ते बच्चे रखने के बाद इस गांव में चोरियां भी कम हुए हैं। ये तुमने गौर किया? कभी अनिल को चोरी करते हुए वो कुत्ते देखे होंगे शायद, इसलिए इनको टारगेट किया। कह रहा था तभी अनिल उस गांव का एसए और उनका दोस्त रमेश को लेकर उधर आया। तब पप्पू से एसए रमेश, क्यों पप्पू, किसका परमिशन लेकर तुम इन कुत्तों को शेल्टर दे रहे हो? किसको पूछकर इनको इधर रखे हो? पंचायत का परमिशन है क्या? पूछा। तब पप्पू, देखिए एसए साहब, आपका ये धमकी अनपढ़ वालों को दीजिए। आप ऐसे पूछा है कहकर आपके ऊपर का ऑफिसर को कंप्लेंट दिया तो आपका ये नौकरी तो फसक हो जाएगा। बोलिए, कंप्लेंट दूं क्या? मैं भी तुम्हारे ऊपर का अफसर को जानता हूँ। कहने से एसए अनिल को एक लाफा मारा और उधर से चुपचाप चला गया। अगले दिन से पप्पू और सिप्पी अनिल के ऊपर नजर रखने के लिए तय किए। ऐसे रातों में पप्पू और सिप्पी अनिल का पीछा ही रहकर नजर रखने लगे। एक दिन अनिल कुछ लोगों के साथ मिलकर गांव में चोरी करने के लिए आया। ये घोर करके पप्पू और सिप्पी उनके डॉग हाउस में रहने वाले कुत्तों को उनके ऊपर छोड़े। तब वे कुत्ते जाकर अनिल और उनके आदमियों पर हमला करके भौंकने लगे। उनका आवाज से गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब अनिल और उनके आदमियों के पास पैसे और सोना दिखाई दिए। तब लोग उनको पकड़कर खूब पीटे। तब प्रेसिडेंट अनिल को गांव से बाहर निकाल दिया। बाद में गांव वाले कुत्तों को अच्छे से देखभाल करते हुए बैम्बू हाउस के पास आकर कुत्तों को कुछ खिलाते हुए जाने लगे।